फरीदाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां माहौल खराब करने वालों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी साजिद समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो सोशल मीडिया के जरिए देखिए जिस तरीके से बयानबाजी हुई, आपत्तिजनक पोस्ट किया गया, जिसे लेकर अब ये कार्रवाई हुई है और आरोपियों पर देखिए मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द होगी। तो एक तरफ देखिए निगरानी बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पर, ताकि किसी भी तरीके से अफवाह ना फैलाई जाए, लेकिन जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार देखिए जो दावा ये किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि निगरानी बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पर भी, उसी के तहत देखिए जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं उन पर ये कार्रवाई हुई है और मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो आरोपियों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद FIR दर्ज की गई है। आरोपी साजिद समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके जरिए जो बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक पोस्ट जो है वो की गई थी और इसके बाद ये मामला दर्ज किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी, यानी कि देखिए पुलिस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं अफवाह ना फैलाएं सोशल मीडिया के जरिए। हालांकि कई जगहों पर इंटरनेट सेवा जो है पूरी तरीके से बंद इसी वजह से की गई है, ताकि कोई भी किसी भी तरीके से अफवाह ना फैलाए। लेकिन दूसरी तरफ जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भी निगरानी बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ ये संदेश देने की कोशिश इसके जरिए कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक साजिद नाम की लड़की ने अपने अन्य दो साथियों के साथ धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं। ये वीडियो वायरल था, एक लोकेश नाम के व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचा, जिसने इस संबंध में थाना सारण में शिकायत दी है। आरोपी साजिद पीछे से यूपी का रहने वाला है और यहाँ NIT एरिया में उसकी एक सैलून की दुकान है और जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके साथ दो अन्य आरोपी भी हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो सामाजिक सौहार्द खराब करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और शांति व्यवस्था भंग करते हैं, कानून व्यवस्था भंग करते हैं, सरकारी आदेशों की पालना नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। जैसा कि अभी लास्ट अभी इस करंट सिनेरियो चल रहा है, ऐसे में हमने कुल टोटल 4 से 5 FIR दर्ज की हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, उनके लिए कड़ी चेतावनी है पुलिस आयुक्त फरीदाबाद की, जिला प्रशासन की, कि जो लोग किसी भी समुदाय के किसी भी दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उसको चिन्हित अपराध में काउंट किया गया है, उनको चंद महीनों के अंदर ही उनको जल्द चार्ज सबमिट करके अदालत में उनको सख्त सजा दिलवाई जाएगी।